मध्य प्रदेश के हरदा जिले में नर्मदा नदी से अवैध रूप से रेत निकालने का सिलसिला जारी है। एनजीटी की रोक को दरकिनार कर खनन माफिया नदी से अवैध तरीके से रेत निकालने में लगे हैं। जब इस बारे में एडीएम से बात की गई तो उन्होंने रेत के डंपरों पर कार्रवाई कर 38 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की बात बताई, लेकिन खनन माफिया पर कार्रवाई कब होगी इस सवाल से बचते नजर आए। हमारी अवैध उत्खनन को लेकर प्रतिदिन निरंतर कार्रवाई चल रही है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसको नियंत्रित करें। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान 2019 में चीन का गुलाम बन सकता है। उसके पास सिर्फ 1.5 महीने तक ही देश चलाने का पैसा बचा है। ऐसे में चीन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तान पर उसका 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है जिसे चुकाने का वक्त आ चुका है। लेकिन कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत कर्ज का ब्याज चुकाने तक की नहीं है, इसलिए चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान में पैर फैलाने शुरू कर दिए। बड़े पैमाने पर जो चाइनीज लेबर है वो वास्तव में चाइनीज फौज है जो लेबर का रूप धारण किया हुआ है। CPEC करार के तहत पाकिस्तान में जगह जगह SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं जहां अब तक उद्योग धंधे शुरू करने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के कंगाल होने के बाद चीन ने मनमर्जी शुरू कर दी और उसके साथ एक सीक्रेट डील की जिसके मुताबिक चीन अब पाकिस्तान की जमीन पर लड़ाकू विमान तैयार करेगा। इसके साथ ही वो पाकिस्तान में हथियारों के बड़े कारखाने खोलेगा। यही नहीं, पाकिस्तान में चीन का नया रडार सिस्टम भी तैयार किया जाएगा जिसके लिए चीन CPEC योजना में बने SEZ का इस्तेमाल करेगा और SEZ में ही सेना के अड्डे तैयार करेगा। मुंबई के खार वेस्ट में मौजूद न्यू ब्यूटी सेंटर नाम की 7 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग इमारत के बेसमेंट में लगभग सुबह 10:30 बजे लगी, जिसके बाद पूरी इमारत में धुआं भर गया और वहां मौजूद लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया। जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और 5 जंबो वाटर टैंक पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इस इमारत में आग लगी है, जो आग है वो ये 7 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगी है। इमारत में धुआं भरा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के जवानों को इमारत के भीतर जाने में काफी दिक्कत हुई, जिसके बाद धुएं को एक बड़े पाइप के जरिए बाहर निकाला गया। MCV के कर्मचारी भी इमारत के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने धुएं से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। भारत ने अग्नि 4 के ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जा सकने वाली इस मिसाइल को ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया। DRDO के मुताबिक परीक्षण के समय अग्नि 4 सभी मानकों पर खरी उतरी और उसने सटीक तरीके से टारगेट को नष्ट भी किया। 4000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन को कवर करने के साथ ही यूरोप तक मार कर सकती है। 20 मीटर लंबी अग्नि 4 मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जा सकती है, जिसमें नेविगेशन के लिए आधुनिक रडार और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे ये भटकने के बाद भी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। साथ ही इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी आसानी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी अग्नि 4 के 7 परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनके बाद इसे सेना में शामिल किया गया था। लखनऊ के बाद आगरा में भी UP के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऐसे होर्डिंग लगाए गए हैं जिनमें उन्हें अवतार बताया गया है। इस होर्डिंग में UP नवनिर्माण सेना का नाम लिखा है और CM योगी को त्रेता युग के भगवान राम की तरह से कलयुग का अवतार बताया गया है। इस बीच आगरा के मेयर ने दावा किया कि ये होर्डिंग बिना इजाजत के लगाई गई है, इसलिए इसको उतरवा कर होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसने भी इस प्रकार का होर्डिंग लगाया है, वो अवैध है और नगर निगम की बिना अनुमति के वो होर्डिंग लगाया है। योगी 4 PM और ना ही नगर निगम से कोई अनुमति प्राप्त करी है और ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वैसे भी आगरा नगर निगम में जितने भी होर्डिंग है 10x20 के सभी प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद जिन्होंने भी होर्डिंग लगाया है इसकी जाँच करके हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। रनवे पर ड्रोन उड़ने की वजह से बंद किया गया लंदन का गैटविक एयरपोर्ट 32 घंटे बाद फिर से खोल दिया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जमा हजारों यात्रियों में अफरा तफरी मची रही, जिनके विमानों की उड़ान ड्रोन की वजह से रद्द कर दी गई। दावा किया गया कि ये ड्रोन एयरपोर्ट के आसपास 24 घंटे में 50 बार देखा गया।
ड्रोन से खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस हंगामे की वजह से वहां के प्रधानमंत्री ने ड्रोन उड़ाने वालों को कड़ी चेतावनी दी। The activity we've seen is illegal and those who are caught endangering aircraft can face up to 5 years in prison. 32 घंटे से भी ज्यादा देर तक आरोपियों की तलाश के बाद विमानों की उड़ान शुरू की गई। हालांकि शुरुआत में केवल कुछ ही विमानों को उड़ान भरने की इजाजत मिली। एयरपोर्ट बंद होने का असर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों पर पड़ा। तीसरे मोर्चे के लिए कवायद तेज। भुवनेश्वर में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बापू की 150 फीट की प्रतिमा लगाने की तैयारियों को लेकर बेतिया में बैठक हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा टाइगर रिजर्व में हाथियों के मेडिकल चेकअप के लिए कैंप लगाया गया। गुजरात में बीजेपी ने जसदण विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की, जिसके साथ सदन में बीजेपी का संख्याबल 100 पर पहुंच गया। यूपी के आगरा में एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। बिहार के बेतिया जिले में सड़क किनारे खड़ा ट्रक धूं धूं कर जलने लगा। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को इजाजत देने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। केरल के कोट्टयम रेलवे स्टेशन के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जो भीड़ के साथ अयप्पा के जयकारे लगाने लगी। सड़क पर आगे बढ़ती लोगों की भीड़ को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बावजूद लोग अयप्पा के नारे लगाते रहे, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस के सामने ही वही सड़क पर डेरा जमा कर बैठ गए। लेकिन यहाँ भी उनके कीर्तन जारी रहे। सड़क पर बैठकर शांति से भजन कीर्तन के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को देखने के लिए मौके पर भीड़ जुट गई। इसके अलावा सबरीमला मामले पर हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोग दूसरे जिलों से भी बस के जरिए कोट्टयम पहुंचे। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश संतराज को गिरफ्तार किया है। संतराज की हत्या और लूट के कई मामलों में तलाश थी, वो कई साल से फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर ने पुलिस को रामकोला रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध के होने की जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी की तो बदमाश संतराज पकड़ में आ गया। कुशीनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 इनामी बदमाश पकड़े गए हैं। एक है उसमें 15,000 का इनामी है, एक है 25,000 का इनामी है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 200 से ज्यादा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से लूट के 17 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 कार समेत हजारों रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे कैब में बिठाकर सवारियों से लूटपाट करते थे। कुल 5 लुटेरे गिरफ्तार किए हैं और जो सातिर किस्म के लुटेरे हैं, इनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि 200 के आसपास इन्होंने लूट पिछले 1 सालों में किया हुआ है और घटना में प्रयुक्त गाड़ी और नगद कैश इत्यादि तमाम चीजें जो है बरामद की गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20 साल बाद तूफान के साथ जमकर ओले गिरे। बड़े बड़े ओलों की बारिश ने वहां के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई, जिसके जोरदार होने का अंदाजा तूफान के वक्त रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें सड़क के बीच खड़े पेड़ बुरी तरह झूलते नजर आए। इस तूफान में लोगों का सामान सड़क पर उड़ता दिखा। तूफान के साथ बरसे ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े थे। इतने बड़े ओलों के गिरने से एक मशीन गन के चलने जैसी आवाज निकल रही थी। इस बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर ओलों की चादर बिछ गई। कुछ इसी तरह का हाल लोगों के गार्डन और लॉन का भी था। सिडनी के एक इलाके में पर्यटकों ने समंदर में गिर रहे ओलों का वीडियो भी साझा किया। समंदर किनारे कुछ इलाकों में मछली पकड़ने वाली नाव भी ओलों की बारिश में फंस गई, जिसकी वजह से उन इलाकों में लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। ओलों की इस बारिश से नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगा है, लेकिन हजारों लोगों ने इंश्योरेंस कंपनियों का दरवाजा खटखटाया, जिनमें ज्यादातर लोगों की कारों को भारी नुकसान पहुंचा। बड़े आकार के ओले गिरने की वजह से उनकी कारों के शीशे फूट गए, जबकि कुछ कारें तो ऐसी थीं जिनके शीशे पूरी तरह चकनाचूर हो गए। यही हाल लोगों के मकानों का भी था, जिनकी छतों को भी नुकसान पहुंचा। Just started with small pea size, and then it got heavier and heavier, and then it just went off. It was like a bomb hit it. वहां के मौसम विभाग ने दावा किया कि ओलों की बारिश और तूफान के वक्त केवल 1 घंटे के अंदर आसमान में 30,000 से ज्यादा बार बिजली चमकी। ओलों की बारिश बंद होने के बाद कुछ दिनों में फिर से सिडनी और उसके आसपास के इलाकों में तूफान आने की चेतावनी दी गई।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत पर इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग की माने तो इन दिनों दिल्ली शिमला से भी ज्यादा ठंडी बनी हुई है। बीती रात दिल्ली में दिसंबर के महीने में पिछले चार सालों की सबसे सर्द रात थी। यही नहीं, गलन के साथ कोहरे की घनी चादर ने दिल्ली NCR की रफ्तार भी रोक दी। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखी, जबकि रेलवे और हवाई उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा और ट्रेनों के साथ कई फ्लाइट भी लेट हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कोहरे की चादर ने इंडिया गेट को भी पूरी तरह ढक लिया। ठंड बढ़ने की वजह से खुले आसमान के नीचे रात गुजारने वाले लोग सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंचने लगे, जिससे वहां भी भारी भीड़ हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहीं पे सोते, कहां सोते, बाहर सोते हैं। अभी ये ना होता तो रोड पे सोते हैं, अब कहां सोते हैं। वहीं सर्दी का असर उत्तराखंड और हिमाचल समेत उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी दिखा। उत्तराखंड के चमोली में तापमान के जीरो से नीचे जाने की वजह से पानी जमने लगा, तो वहीं पश्चिमी यूपी के कई शहरों में भी लोग सर्दी से बेहाल दिखे। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही ठंडा रह सकता है। यूपी के बंटवारे को गृह मंत्री ने गैर जरूरी बताया। यूपी को चार हिस्सों में बांटने की मांग तेज होने के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छोटे राज्यों की मांग को गैर जरूरी बताया। असम के डिब्रूगढ़ में देश के सबसे बड़े और एशिया के दूसरे सबसे लंबे बोगीबिल ब्रिज का कल पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 10 व्हाइट पेपर रिलीज कर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यूपी के अहमदाबाद में एक मकान की दीवार गिरने से दो सफाई कर्मचारी घायल हो गए। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने इनामी बदमाश समेत तीन को गिरफ्तार किया। यूपी के अयोध्या में दो सगी बहनों की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बदमाशों के दो गुटों के बीच गैंगवार हो गई। सड़क पर दोनों गुट के बदमाश एक दूसरे पर फायरिंग करते दिखाई दिए। इस बीच एक गुट के बदमाश ने दूसरे गुट के बदमाश को घेर लिया और जबरन उसे गाड़ी में बैठाया, वहां से फरार हो गए। गैंगवार की पूरी तस्वीर वहां लगे CCTV में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक गैंगवार में शामिल बदमाशों पर आसूका लगाकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। 8 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत हो चुका है और थाना स्तर से अतिशीघ्र ही रासुका की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। हनुमान पर बयानबाजी का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने हनुमान को किसान और गरीब का बेटा बताया और साथ ही ये भी दावा किया कि 2019 में हनुमान उन्हीं के साथ है। वहीं यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने हनुमान को ठाकुर ही बता दिया। हमारे हिसाब से हनुमान जो है वो किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे और जिन्होंने रावण जैसे अमीर पूंजीपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भगवान राम भी ठाकुर थे, भगवान कृष्ण भी ठाकुर थे कि नहीं? जितने मैक्सिमम ऋषि मुनि सब ठाकुर थे।